हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। तो दोस्तों, आ गए एक नए चैलेंज में जो कि है आगरा की फेमस बेड़ई सब्जी ईटिंग चैलेंज। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 20 बेड़ई हैं, जिसमें 10 मेरे पास और 10 पंकज भाई के पास, और जिसमें 3 धोने में मेरे पास सब्जी है और 3 धोने में पंकज भाई के पास सब्जी है। और दोस्तों, आगरा में ये सुबह सुबह के नाश्ता में बेड़ई सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है। जो भी नाश्ता करते हैं तो सबसे पहले बेड़ई सब्जी का ही करते हैं सुबह सुबह। और दोस्तों, ये वैसे तो पूड़ी की तरह होती है, पर पूड़ी से काफ़ी हैवी होती हैं, क्योंकि इसमें दाल की फीलिंग होती है और सब्जी थोड़ी इसकी हैवी होती है, और पूड़ी इतनी मुलायम होती है, इसमें कड़कपन होता है, मतलब ये एकदम कड़क कड़क होती हैं। हमारे यहाँ तो इसे बेड़ई बोलते हैं, और जैसा आपके मतलब शहरों में मिलती है तो आपके शहर में बेड़ई बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, जो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, वैसे तो मैं खाता हूँ तो 2 या 3 खा पाता हूँ, इसमें ही मेरा पेट भर जाता है, पर आज तो चंदू भाई ने 10-10 रख रखी हैं, तो आज तो पेट ढंग से भरेगा और मन भी भरेगा ढंग से, क्योंकि चैलेंज में जो हम थोड़ा सा रखते हैं वही ज़्यादा रख देते हैं, तो ये इसी बात का चैलेंज है। मतलब आज के चैलेंज में जो 10 बेड़ई और 3 दोने तीन दोने सब्जी के रखे हुए हैं, जो सबसे पहले खा लेगा वो आज का विनर कहलाएगा, मतलब विनर रहेगा, और जो नहीं खा पाया उसे मिलेगी सजा। तो दोस्तों, हमारी बेड़ई हो रही है ठंडी, तो दिन न करते अपना चैलेंज शुरू करते हैं। 3, 2, 1 Go. तो दोस्तों, मज़ा आया एकदम खा के, एकदम ज़्यादा टेस्ट लग रही है। इतने ज़्यादा टेस्ट लग रही है कि मेरा मन चैलेंज करने का नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे आराम आराम से खाते रहो, ऐसा मन कर रहा है मेरा। दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पे बेड़ई 6 रुपये की मिलती है, मतलब मेनली छोटे हलवाई पर 6 रुपये की मिलती है, वैसे बड़े बड़े हलवाई पर 7 की मिलती है, और हाईएस्ट 18 रुपये की मिलती है, जो देसी घी वाली बताते हैं। सही से बताऊं तो मैंने 18 तक की बेड़ई खाई है, 18 रुपये तक की, पर सबसे मज़ा तो उसी में आता है, छोटे मोटे हलवाई पर खाओ आराम से खड़े होकर, मज़ा। तो दोस्तों, मैं बताऊँ जो सब्जी में मिर्च कुछ ज़्यादा या और सब्जी का मरती है मेरी। जीभ का नहीं जा पाया था, जो अंदर नहीं जा पा रही थी यार, काली मिर्च जी बुरी हो रही काली मिर्च। तो दोस्तों, आज का चैलेंज काफ़ी टेस्टी था, और आज तो मेरे को पता ही नहीं चला एंड में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि जान पूछ के आ गया मैं,
पर मैं जान कुछ के नहीं आ रहा था। मेनली मैंने देखा हुआ आपने, मोस्टली मैंने सारा खा लिया था, बस सब्जी बची हुई थी मेरी। तो सब्जी जब मैं एंड में पी रहा था तो वो सब्जी मेरे में थी जो एंड की थी, तो पी रहा था उसमें एक तो काली मिर्च आ गई। काली मिर्च आ गई, अब एकदम से मैं निकलूँ क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आया। और एकदम से वो तेज पत्ता जो होता है ना सब्जी में डलता है वो आ गया, अब एकदम से मेरे गले में अटक गया। मैं उसी को मतलब काली मिर्च और उसी निकाल रहा था जब तक मैं हार गया, तो मतलब मैं जीत गया, चंदू भाई जीत गए। तो आज मेरी सजा की बारी है, चंदू भाई मेरे लिए लेके आए हैं ये कच्ची ये भुट्टा और इस पर ये खांसी की दवा लगा के, जैसे आपने खाया हुआ बटर कॉर्न आता है जो बाजारों में मिलता है, उसे गूंज के उस पर बटर लगा के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। पर चंदू भाई ये खांसी कौन लेके आ गए हैं। वैसे तो दोस्तों ये मुलायम होता तो अच्छा लगता, पर ये रखा काफ़ी दिनों का सूख गया है, तो देख सकते हो कैसे हो गए इसके दाने, ऐसा लग रहा है पत्थर जैसे, तो खाने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है, मजा आने वाला है। इसकी मैंने ऐसी वीडियो देखी है यूट्यूब पर काफ़ी, उसमें ऐसे ऐसे करता है उसके दांत निकल जाते हैं, वो उसमें ड्रिल मशीन में लगा के ऐसे ऐसे घूमता है, वो दांत टूट जाते हैं, किसी के बाल फंस जाते हैं। अरे मत भरवा में, तो देखो दोस्तों चंदू भाई ने बना दी मेरी वो, क्या बन गया पंकज भाई अभी, ये खांसी कौन बन गया, खांसी कौन बटर कौन की जगह। तो दोस्तों वैसे आपने देखा होगा मेरी चंदू भाई की डेढ़ बेड़ ही बची थी, मेरी चार बची थी, आज सही होता हूँ तो ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया। यार तुम्हारे दांतों का टेस्ट है आज पता चलेगा कि तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। जब खुल भी नहीं, खुल भी नहीं रही सर। अरे हो दांत दांत लगा के देखो, टूट जाएंगे तुम्हारे दांत, दूर रह जाएंगे, बस चैलेंज नहीं कर पाओगे कभी आगे जाकर, ये सोच लेना। बहुत ठीक है चंदू भाई, पर तुम इसमें खांसी की दवा नहीं डाल देना तो आराम से खा लेता, दांत तो मेरे बहुत मजबूत है, मैं तो पत्थर भी खा जाता हूँ। क्यों खांसी की दवा के आपके दांतों को पिघला देगी, टेस्ट खराब कर दिया है उसने यार, कड़वा कड़वा ऐसा लग रहा है, क्या खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है, वो आता है बेसन ये बेसन सा ही लग रहा है क्योंकि सूख गया, ऐसा लग रहा है बेसन सा मैं वो मिला के खा रहा हूँ, क्या कहते हैं कड़वा कड़वा कुछ। पहले बेड़े नहीं खाता तो खा लेता, इतनी टेस्टी चीज खाने के बाद जो तुम सड़ी सड़ाई चीज हो, मुझे तो पनिशमेंट बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसे बुरी लग रही है, तुम तो पता नहीं पहला ही पनिशमेंट के लिए हो। आ गया मजा, उल्टी सी आ रही है, पहले भेड़ी का टेस्ट और भुटिया का टेस्ट। और चंदू भाई दोस्तों मेरा और कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं, मुझे सजा अच्छी लगती है ये लगता है, फिर भी मिर्च नहीं लेते सजा में, क्यों नहीं लेते पूछो चंदू भाई से, क्योंकि मुझे मिर्च अच्छी लगती है ना इसलिए। अच्छी चीज लेकिन खाई नहीं जाती। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैलेंज में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। यही सब है मैं कैसे